आमंत्रित करिए मांगलिक उद्बोधन माटे। भारत माता की, भारत माता की, एम लागे छे तमारे ते दिवाळी वेली आई गई छे। तहेवारोना दिवसो होय, सामे धनतेरस आवती होय, दिवाळी आवती होय, नवा वर्षनी तैयारीओ चालती होय, बधा लोको पोतपोताना काममां डूबेला होय, अने तेम छताय आवो अपरंपार मेहरामण ज्यां ज्यां नजर पहुंचे जेने आशीर्वाद नी गंगा वही रही छे। जय गिरनारी। आटली मोटी संख्या में संत महात्माओ आशीर्वाद आपवा आवे एनाथी रूडू बीजू शू होय? का तो सिंहनी धरती अने नरसिंहनी पण धरती। अने विशेष रूपे जे माताओ बहनों मोटी संख्या में आवी छे एमना जे आशीर्वाद मळी रह्या छे एमनो हूँ अंतःकरणपूर्वक आभार मानु छू। भाई बहनों, आजे जूनागढ़, गीर सोमनाथ, पोरबंदर लोको तो आंकड़ा न गणी के एटलो मोटो विकास, हजारों करोड़, 4000 करोड़ रुपया करता पण वधारेना प्रोजेक्ट, एनो लोकार्पण, एनो शिलान्यास। एक जमानो हतो कि आखा गुजरात नो 12 महीना नो कुल बजेट जेटलू होय एना करता वधारे लोकार्पण ने शिलान्यास ना कार्यक्रमो आजे हूँ एक दिवस में, एक प्रवास में आजे गुजरात नी धरती पर करी सकूं छो, ये अपना आशीर्वाद नु परिणाम। अन्य विकास मारा माछीमार भाई बहनों ने एमना जीवन ने आसान बनावामा आपणुं आ जूनागढ़ तो हूँ हमेशा कहतो हतो कि गुजरात ना पर्यटन क्षेत्र माटेनी राजधानी एवी ताकत अमारू जूनागढ़, अमारू गीर सोमनाथ, अमारा पोरबंदर नी छे। रोजगार ना, स्वरोजगार ना अनेक अवसरो लईने आ योजनाओ आवी छे। विकास ना आवी वणझार माटे, विकासना अनेकविध प्रकल्पों माटे आप सौने दिवाळीनी भेट रूपे आ अवसर उजवा माटे अनेक अनेक अभिनंदन आपो जो शुभकामनाओ पाठू छू। भाईओ बहनों, आजे मारी छाती गजगज फूले छे। ये आपना कारणे, आपना आशीर्वाद ना कारणे, अने मने आनंद छे कि गुजरात छोड़ा पछी अमारी टीमे जे रीते गुजरात संभाळ्यो, भूपेन्द्र भाई ने टीम जे रीते गुजरात ने तेज गति थी विकास करी रही छे आनाथी रूड़ो बीजो आनंद कयो होय भाईला। आजे गुजरात नो विकास दरेक क्षेत्र में खूब तेज गति थी चाली रह्यो छे, परंतु भाईओ बहनों,
आपड़े जूना दिवसों याद करिए जो घना बदा वडीलो बैठा है एमने खबर थे कि आपड़े केवा धाड़ा काढ़ता था। दस वर्ष में सात वर्ष दुकाल पड़े, पानी ना वलखा पड़ता हुआ है। एक बाजू कुदरत रूठी हुआ है, ना मारो गेगुर समुद्र नो खारो पाट अंदर आवतो जाए आवतो जाए, तरखलू न पाके एवी अपनी जमीन नी दशा करी मुकी। काठियावाड़ खाली थातु तो गामो गाम लोको हिजरत करीने कोई सूरत जाए कोई गुजर हिंदुस्तान ना बीजा खूणाओं में जाए, रोज रोटलो रळवा माटे दौड़वू पड़तो। परंतु आपणे बधाए भेगा मळीने जे मेहनत करी अने प्रामाणिकताथी समर्पण भावथी ज्यारे मेहनत करता होय छे ने त्यारे कुदरत पण आशीर्वाद आपती होय छे। गर्व करो भाईओ, 2001 पछी आ ईश्वर की कृपा जुओ, 20 वर्ष करता वधारे समय थयो, एके वर्ष दुकाण नथी पड्यो भैला, एके वर्ष दुकाण। आने आशीर्वाद ना कहे तो शू कहवाय भैला? एक तरफ आपने आशीर्वाद, बीजी तरफ कुदरत ना आशीर्वाद, अने एना कारणे विकास नी भेख लईने जीवन जोतरी देवानो आनंद आवतो होय। एक जमानो हतो मां नर्मदा ना दर्शन करवा माटे स्पेशल बसो करीने लोको जता था, पुण्य माळ मेळवा माटे समय पलटाणो, मेहनत ना फल मीठा। अने मां नर्मदा आजे सौराष्ट्रना गामडे गामडे मां नर्मदा पोते आशीर्वाद आपवा आवी रही छे। भाई पाणी पहोंच्या, सड़कों सारी थवा माडी, फल अने शाकभाजी उगाडनारा किसानो एमनु जीवन बदलाई गयु। भाईओ आजे जूनागढ़ मारे एना खेडूतोने खास आभार मानवो छे। मने हमणां ज मारा गवर्नर साहेब आचार्य देवव्रतजी कहता था कि साहेब जूनागढ़ना किसानोए प्राकृतिक खेती नो उपाड़ो एवो लीधो छे, नेचरल फार्मिंग माटे मारा जूनागढ़ नो खेडूत पूरी ताकत थी लाग्यो छे। अने जूनागढ़ना मारा केसर केरी अने भाईओ बहनों भारत में ज नहीं आजे दुनिया में आ मारा जूनागढ़ नी केसर केरी नी मिठास आखो दुनिया में पहुंची छे। भाईओ अपना भारत पासे आटलो मोटो लांबो समुद्र किनारो, एमाय गुजरात पासे तो मोटो हिस्सो, परंतु आपने भूतकाल में आ दरियो बोझ लागतो तो आ खारो पाट खारी हवा आपने जाने झेर जीवी लागती थी। समय जुओ भाईओ, जे दरियो आपने मुसीबत देखाती थी ये दरियो आज आपने मेहनत ना फल आपवा माड्यो छे। जे कच्छनो रण एनी धूळनी डमरीओ आपणा माटे मुसीबतो लईने फरती थी, एज कच्छ आज गुजरात ना विकास की धुरा संभालतु होय एम प्रगति करी रही छे। प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों वच्चे पण गुजराते एनी सामे पण मुकाबलो कर्यो अने प्रगति नी नवी ऊंचाईओ पार करी। भाई 20-25 वर्ष पहला अमे ज्या स्थितियों बदलवा माटे संकल्प कर्यो, बीड़ी उठायो, पल पल खर्ची नाखी, अने आजे जे 20 वर्ष 25 वर्ष ना जुवानियाओ छे जेमने खबर सुधा न पड़े के पहला दिवसों केवा हता ये कल्पना न करी सके एवा सारा दिवसों लावानी कोशिश करी छे। भाईओ
अमे अमारा माछीमार भाईओ बहनों विकास माटे गुजरात में सागर खेडू योजना शुरू करी थी। आ योजना अंतर्गत अमारा माछीमारोनी सुरक्षा, अमारा माछीमारोनी सुविधा, अमारा माछीमार भाईओ बहनों कारोबार करवा माटे आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एना माटे आपणे बळ आप्युं अने परिणामे आयु कि 20 वर्ष में कोई पण गुजराती ने गर्व थाय भाईओ 20 वर्ष में माछली नू एक्सपोर्ट दुनिया में 7 गणु वधी गयु 7 गणु। अने भाईओ बहनों जारे आपड़ा माछली आटली एक्सपोर्ट थती हुए दुनिया में पहुंचती हुए तो मने एक जूनी घटना याद आवे छे। जारे हूँ मुख्यमंत्री हतो त्यारे जापान नु एक डेलिगेशन आयेलु तो हूँ गुजरात ना विकास नी बधी एमने वीडियो बनाईने बतावतो हतो अने जापानी भाषा में एनी पर कॉमेंट्री हती अने ए लोको पण बहु मन दईने बधी वस्तु समझवानी कोशिश करता था। इतलामां अचानक ए जापान ना लोको के साहेब प्लीज आ जरा बंद करो। मैं कहूं शू थयुं ले भाई आ वीडियो पर हूं बधुं समझावुं छुं एकदम के बंद करो तो मने कई समझाणुं नहीं। मैं एमने पूछ्युं केम बंद करूं तो के साहेब तमे आ बधो दरिया किनारो बतावा माड्या छो अने आ बधा माछीमारो बतावा माड्या छो अने पेली सूरमी फिश देखाय छे ने मारा मामा पाणी छूटी गयुं छे हवे हूं न बेसी सकूं हवे मने जवा दो। आटली अपनी कीर्ति के सुरमी फिश नु नाम सांभळ्युं अने एना मोमां पाणी छूटी गयुं। आजे सुरमी नामना फिश पेस्ट जापानना बाजारमां गुजरातना नामे वखणाय छे। भाईओ गुजरातना सुरमी पेस्ट सैकड़ों करोड़ रूपियानो निर्यात दर वर्षे थई रह्यो छे अने हवे तो वलसाड़मां सी फूड पार्क एमाथी पण निर्यात एमाथी पण एक्सपोर्ट फिशरी सेक्टर में नवा नवा आपणे सिद्धिओ सर कर रहा छे। भाईओ बहनों गया 8 वर्ष में डबल इंजीन सरकार एनो डबल लाभ आ मारा गुजरात ना दरिया कांठा ने आ मारा गुजरात ना समुद्री तट ने एटलो ज मळ्यो छे। माछली होय सी फूड होय एनो व्यापार वध्यो छे। पहला आपणे त्यां चेनल नी जे ऊंडाण जोईए ए छीछरा होवाना कारणे परेशानी रहती थी। अमारा माछीमार भाईओने माछी पकड़ी लावे पण एने दरिया किनारा सुधी लावी होय तो मोमां फीण आवी जाय एवी दशा हती। हवे जारे गुजरात नी अंदर फिशिंग हार्बर बनावाना अभियान शुरू कर्या अमारा सागर खेडूनी मुसीबतों में दूर करी। 2 दशक में केटला मोटा फिशिंग हार्बर विकसित करवामां आव्या अने जे जूना हता एने पण अपग्रेड करवामां आव्या। डबल इंजीन सरकार बन्या पछी आ काम में डबल तेजी आई गई। आजे पण 3 फिशिंग हार्बर 3 फिशिंग हार्बर विकसित करवा माटेनो शिलान्यास थई रह्यो छे। भाईओ आप कल्पना करी सको छो के आपणा पट्टा उपर केवी आर्थिक तेजी आववानी छे एमनी जिंदगी में केटलो मोटो बदलाव आववानो छे। फिश हार्बर थी माछलीनुं ट्रांसपोर्टेशन खूब आसान थई जशे अने एक्सपोर्ट पण खूब तेजी थी थशे। आनी साथे साथे हवे आपणे ड्रोन पॉलिसी लाया छीए। हवे तो ड्रोन 20-20 किलो 25-25 किलो 50 किलो माल उठावीने लई जाय छे अने एना कारणे ज्यां आगर दरियो नथी एवा जे अंतरियाळ विस्तारो छे आ ड्रोन थी माछली पहोंचे अने ताजो माल पहोंचे आना माटेनी तको ऊभी थई रही छे। भाईओ विकास केटलो लाभ पहोंचाडे ने एनो आ नमानो। भाइयों बहनों डबल इंजीनी सरकार
हमारा खेडू भाइयों, हमारा किसानों, हमारा गामड़ा एनी जरूरियातों पर ध्यान में राखी काम करे। हमारी सरकारे पीएम किसान सम्मान निधि तमे जो अपना बे दाड़ा पहला दिल्ली थी मैं 2000 रुपया एक एक ना खेतर खाते मोकल्या अने खेतर में बैठेला किसान ना खाता में एना मोबाइल में तरत 2000 रुपया चमकारो आवी गयो अने रुपया एना खाता में जमा थई गया भाई। अने अत्यार सुधी में अत्यार सुधी जेटला हप्ता आप्या छे ने एमा कुल रकम 2,16,000 करोड़ रुपया लगभग 2,25,00,000 करोड़ रुपया आ मारा खेडूतों ना खाता में जमा कर्या छे भाईओ। भाईओ बहनों एनो लाभ मारा गुजरात ना खेडूतों ने मळ्यो छे एमने पण एमना खाता में 1,000,00,000 करोड़ रुपया अने एनो मोटो लाभ नाना खेडूत ने थयो छे जेनी पाए वीघू बे वीघू माण जमीन होय सिंचाई माटे पानी ना बलखा मारतो होय वरसाद उपर भरोसो रहीने जीवतो होय एना माटे ता रुपया घणा काम में आवता होय छे। अमारी सरकार जेने पहली बार पशुपालक होय किसान होय सागर खेडू अमारो माछीमार होय एने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नी सुविधा थी अमे जोड़ी दीधो। पहला ए मात्र खेडूतो माटे हती अमे एनो विस्तार करीने पशुपालकों ने आवरी लीधा एनो विस्तार करीने माछीमारो ने आवरी लीधा अने एना कारणे बैंक माथी लोन लेवानु मारा माछीमारो माटे पशुपालकों माटे सरल थई गयो अने आना कारणे 3.5 करोड़ करता वधारे लोको एनो लाभ लई रह्या छे भाईओ। एने नजीवा व्याजे पैसा मळे छे एने साहूकारना घरे नथी जवुं पड़तुं देवाना डूंगर तरे दबाव नथी पड़तुं अने पोताना धंधाना विकास करवा माटे आ रूपियानो साचो उपयोग करी शके छे। बोर्डथी लईने जेकेट सुधी डीजल होय लेबर होय आईस होय आ बधा माटे आ खर्च एने मोटी ताकात आपतो होय छे भाईओ। अने समय पर जो पैसा पाछा आपे नक्की करेली तारीख पर आपे ने तो घणी वार तो व्याज शून्य थई जाय जीरो व्याज आनाथी मोटो लाभ बीजो कयो होय भाई। आ किसान क्रेडिट कार्ड मारा पशुपालकों की जिंदगी ने पण आसान बनावी दीधी छे। साथियों गया 2 दशक में गुजरात में जे बंदरगाहों नो विकास थयो अपना बंदरों नो विकास थयो एने पण गुजरात ना विकास ने एक प्रकार के नवा समृद्धि ना प्रवेश द्वार थी जोड़ी दीधो छे नई क्षमताओं थी जोड़ी दीधो छे। सागर मारा योजना ना देश ना आखा आ समुद्री तट पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत थाय अने खाली बंदरों नो विकास नहीं पोर्ट नो विकास नहीं पोर्ट लेड डेवलपमेंट काम आपणे उपाड्युं छे अने आजे तमे जोयुं के गुजरात में सागर तट पर सागर मालानो केटलो मोटो अभियान नी शुरुआत कर रह्या छे। कोस्टल हाईवे आना कारणे जूनागढ़ उपरांत पोरबंदर जामनगर देवभूमि द्वारका मोरबी थी लईने मध्य अने साउथ गुजरात सुधी आनो विस्तार नक्की कर्यो छे भाईओ। एनो अर्थ ए थयो के गुजरात नी पूरी कोस्टलाइन एनी कनेक्टिविटी मजबूत थवानी छे। भाईओ बहनों गया 8 वर्ष में सरकारे माताओं बहनों जीवन माटे जे काम कर्युं छे एक पछी एक कदम उठाव्या छे एना कारणे मारी माताओं बहनों सम्मानपूर्वक आज जीवी शके एवी व्यवस्था थई छे अने जेनो लाभ मारी गुजरातनी लाखों माताओं बहनों ने मळे छे अने एटले आ माताओं बहनों ना आशीर्वाद मारे माटे एक शक्ति कवच बनी गया शक्ति कवच। आ माताओं बहनों हूँ सदाय ऋणी छु देशना माटे अनेक मोटा जे अभियानों चाल्या एनो सीधो लाभ आ मारी माताओं बहनों ने मळ्यो छे। स्वच्छ भारत होय करोड़ों शौचालय बनाया हुआ है
अने शौचालय माटे आपणे ज्यां जाजरू शब्द वपराय अमारे त्यां उत्तर भारतनी बहनों के आ तो अमारू गर्व माटेनू अमारी सम्मान माटेनी व्यवस्था छे। करोड़ों शौचालय बन्या, बहनों ने अनेक मुसीबतोमांथी अमे मुक्ति अपावी, अमे एना कारणे एमना स्वास्थ्य पण सुधार थयो, अमे उज्ज्वला योजना गैस पहोंचाड़वानी व्यवस्था करी। अने उपेन्द्र भाई ने अभिनंदन आपू छू, एमनी सरकारे आ दिवाळीना तहेवारों ने ध्यान में राखीने बे गासना बाटला मफत आपवानो निर्णय कर लीधो, जेथी करीने अमारा गरीबना घर में दिवाळी उजवाय। भाईओ बहनों, दरेक घरे पाणी पहोंचे, नळमां पाणी पहोंचे। आपणने खबर छे, एक जमानो एवो हतो के मुख्यमंत्री ने धारासभ्यो आवेदन पत्र आपे, हूँ भूतकाळनी सरकारोनी वात करूं छूं, अने धारासभ्ये शुं मांगणी करी होय के अमारा पांच गाममां जरा हेन्डपंप लगावी देजो ने, अने जो मुख्यमंत्री हेन्डपंपनी वात मंजूर करे तो अहीं ढोल नगारा वगाड़ीने एनो आनंद जलसो थतो हतो। ए जमानो तो हो, हेन्डपंप माटे वलखा मारता था, आ तमारो दीकरो घरे घरे नळथी पाणी पहोंचाड़ी रह्यो छे। भाई अने शुद्ध पाणी मळवाना कारणे बीमारीओ पण ओछी थाय, भूलकाओनी बीमारीओ ओछी थाय, माताओ बहेनोनी मुसीबतो ओछी थाय। प्रधानमंत्री मातृवंद योजना, आ मातृवंदना योजना गर्भावस्थामां मारी माताओ बहनों होय एमना शारीरिकनी अंदर पोषक तत्वो ओछा न थाय, माना गर्भमां जे बाळक थाय एनो विकास अटकी न जाय, बाळक विकलांग पैदा न थाय, दिव्यांग पैदा न थाय, अविकसित शरीरवाळू बाळक न निकळे, एना माटे थईने माताना स्वास्थ्यनी चिंता आ मातृवंदना योजना द्वारा करी, जेथी करीने स्वस्थ बाळको जन्मे, माता स्वस्थ रहे अने स्वस्थ बाळक होय तो भारतनुं भविष्य पण स्वस्थ होय। भाईओ, अमारी सरकारे पीएम आवास योजना तहत जे घर आप्या छे, ए घरमां पण मारो तो आग्रह, हूँ गुजरातमां तो त्यार थी रह्यो छे के हूँ जे कई सरकारनी व्यवस्था आपीश बहनोना नामे ज आपीश। भूकंप जी जे घर आप्या बहनोना नामे आप्या, का आपणने खबर छे अमारी माताओ बहनोनी स्थिति केवी, खेतर होय तो पुरुषना नामे, दुकान होय पुरुषना नामे, घर होय पुरुषना नामे, गाड़ी होय पुरुषना नामे, अने पति ना होय तो दीकराना नामे। बिचारी माताओ बहनोना नसीबमां कांई ज ना होय, अने मुसीबत आवे तो जाय क्यां? आ दीकराए नक्की कर्यो के हवे सरकारी मकान मळशे, सरकारी व्यवस्था मळशे तो मारी आ माताओ बहनोना नामे मळशे। आजे जे बहनों ने मकानो मळ्या छे ने, मारी आ माताओ बहनों लखपतिना लिस्टमां आवी गई। भाईओ, आजे अमारी सरकार गामडे गामडे महिला उद्यमशीलता सेल्फ हेल्प ग्रुपना माध्यमथी सखी मंडळो द्वारा व्यापक विस्तार करी रही छे। देश भर में 8 करोड़ थी वधारे बहनों आजे स्वयं सहायता समूह सखी मंडळो, जेने आपणा गुजरात में सखी मंडळ तरीके ओळखीए छे, लाखों बहनों गुजरात में एनो लाभ लई रही छे। आ प्रकारे मुद्रा योजना, बैंक मांथी कोई पण गेरंटी वगर बहनों ने लोन मळे, अने मारा माटे खुशीनी वात छे आ लोन बधा माटे हती, परंतु 70% लोन लेनारी मारी बहनों छे, अने नानो मोटो उद्योग करे छे, अने 2-3 लोको ने रोजगार पण आपे छे। भाईओ बहनों, आजे मारा अनेक युवा साथीओ एमनुं आवनारुं भविष्य केटलुं उज्ज्वल होय एमने ज्यारे अहींया सामे जोउं छुं त्यारे मारो विश्वास वधे छे अने एमनामां आशानो संचार थाय छे। गुजरातना तेज विकासने लईने हवे मारो गुजरातनो जवानियो आश्वस्त थई गयो छे। गया 8 वर्षमां गुजरात सहित आखा देशमां आपणा युवकोनुं सामर्थ्य वधे एना माटे पण अनेक पगला आपणे लीधा छे। शिक्षणथी लईने रोजगार,
रोजगार थी आगर स्वरोजगार एना माटे आपणे अनेक अवसर पैदा थायनी चिंता करी छे। हमणा हूँ गांधीनगर में डिफेन्स एक्सपो रक्षाना साधनों एक उद्घाटन करीने आयो। हवे गुजरात में तोपो बने तोपो एवी ताकत आवी रही छे भाई, अने ए मारा जुवानियों माटे अवसर लईने आवी रही छे। अरे गया 8 वर्ष में देश में सैकड़ों नवा विश्वविद्यालय बनाया, हजारों नवी कॉलेजों बनाई, अरे हमारा गुजरात में तो निरंतर शिक्षण नवा नवा संस्थान उभी रहा है, अने एमां उच्च शिक्षण पामनार विद्यार्थियों पण तेजस्वी बनीने परिवारनुं नाम रोशन करे, गामनुं नाम रोशन करे, राज्यनुं नाम रोशन करे अने अमारा देशनुं नाम रोशन करे, ए आज आपणुं सौभाग्य छे। पहला गुजरातना बा युवानोने भणवुं होय तो राज्यनी बहार जईने वलखा मारवा पड़ता था, आजे 20 वर्षनी अंदर जे तपस्या करी छे एना कारणे एक थी बढ़कर एक आवी युनिवर्सिटीओनी अने कॉलेजोनुं आखू माळखू आपणे ऊभू करी दीधुं छे। अने हवे तो नवी शिक्षण नीति, राष्ट्रीय शिक्षण नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ए पण लागू थई छे, अने आना तहत मेडिकल एंजीनियरिंग आपणे त्यां तो हवे बधे गामो गाम अंग्रेजी निशाळो क्यांथी होय भाई, अने ओलो अंग्रेजी में भण्यो ना होय बिचारो 8મું 10મું तो एंजीनियर ना थे के मेडिकल ना थे डॉक्टर ना ही के, केम गरीब मां बाप ना बेटाओं ने दीकरीओं ने डॉक्टर थवानो हक खरो के नहीं? पहला गरीब मां बाप ना संतानों ने डॉक्टर थवानो हक खरो के नहीं करो? एंजीनियर थवानो हक खरो के ना करो? पण एने पेलू बोर्ड मारेलू होय के अंग्रेजी आवड़े तो ज मेळ पड़े, आपणे नक्की करी दीधो हवे मातृभाषा में भणीने डॉक्टर बनाय, मातृभाषा में भणीने एंजीनियर बनाय। पहेला आ गुलामीनी मानसिकता जवी जोईए, अने एना कारणे मध्यम वर्ग होय, गरीब होय, गामडू होय, अंग्रेजी ना आवड़े एटला माटे नी विकास यात्रा नहीं रोकाय, कारण के क्षमता तो एना में पड़ी होय छे भाईओ। अने एना कारणे आजे हमणा दुनिया में आपणो डंको वागी रह्यो छे, डिजिटल इंडिया की चर्चा छे, गामो गाम डिजिटल इंडिया नो लाभ आपणा जुवानियाओने मळी रह्यो छे। कॉमन सर्विस सेंटर देश में 5-6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बनी गया छे, अने ज्यां गामडा में बेसीने ऑनलाइन लोको सेवा आपी रह्या छे, फोन पर आजे सस्ता इंटरनेट ना कारणे आजे गांव गांव गरीब गरीब ना घर में पण दुनिया की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुस्तकों वाँचवा व्यवस्था थी गई है। पहला मैं तो एक वच्चे नक्की करेलू कि रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई है युवाओं हाँ जे भणवा हुआ तो रेलवे स्टेशन बड़ा प्लेटफॉर्म पर वाईफाई मफत में आपो, मैं जो बाळको मोबाइल फोन लेने त्या बेसीने भणता होय अने यूपीएससी जीपीएससी की एग्जाम आपता होय अने बा पारंगत थता होय। आज सारा में सारी पढ़ाई माटे, शिक्षण माटे, एमना माटे आ डिजिटल इंडिया की सेवाओं लाभ रही है। एना कारण गामडा में पण डिजिटल इंडिया ना कारण भणवानुं शक्य बन्युं छे। डिजिटल इंडिया युवाओना प्रतिभा ने निखारवा माटेनो अवसर आपी रह्यो छे भाईओ। कोई ने कई पण बनवू होय तो आज डिजिटल व्यवस्था थी भणी सके, ए पेन्टर बनवू होय तो भणी सके, गायक थवू होय तो ही थई सके, एने नृत्य कला क्षेत्र आगे बढ़ू थी सके, एने कारपेंटर बनवू होने कोई पर काम सीखू हो तो आज घर बैठा सीखी सके ये टेक्नोलॉजी हाथ में मुकवा काम करू। आपने भाईओ बहनों आना कारण रोजगार की संभावनाओं बढ़ी गई है, युवाओं की ताकत बाजार थी आग दुनिया ना बाजार तक पहुंची रही है। आ फक्त ने फक्त विचार करो भाईओ, मेड इन इंडिया भारत में पहला 2 कारखाना था मोबाइल फोन बनावाना, आज 200 करता वधारे छे 8 वर्ष में भाईओ। हमणा 1 बिलियन मोबाइल फोन दुनिया में भारत में बनी ने पहुंचा भाईओ, आ ताकत छे अपनी। भाईओ बहनों आज जे प्रकारे टूरिज्म नो विकास थई रह्यो छे एनु मूल कारण जे आपणे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाव्युं, आप विचार करो
આપણો માધવપુરમાં મેળો ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી ઘટના કેવો આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવી દીધો થાય માધવપુરના મેળામાં નોર્થ ઇસ્ટના મુખ્યમંત્રીઓ આવે અને કેવો બામ અઠવાડિયા સુધી જલસો પડી જાય છે આ અમારા ગિરનારનો રોપવે કેટલી મુસીબતોમાંથી નીકળ્યો ભાઈ કેવી સરકારો હતી આટલું કરવામાં તકલીફ પડતી હતી આ તમે મને ત્યાં મોકલ્યો ને તો તમારે ત્યાં રોપવે આવી ગયો અને મને કેટલાક લોકો ફોટા મોકલે કે મારા 80 વર્ષના માં એમની બહુ ઈચ્છા હતી કે ગિરનારમાં જઈને માં અંબાના માથું ટેકવી આવે આ કે તમે રોપવે લાયા ને મારી માની મેં ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી મને તમે કહો કે માના આશીર્વાદ મને ન મળે તો કોને મળે ભલા ભાઈઓ બહેનો બે દશક પહેલા અમે એક સ્થિતિને બદલવાનો સંકલ્પ કર્યો આજે એશિયાનો સૌથી મોટો રોપવે એમાં એક આ મારો ગિરનારનો રોપવે ગાજી ઉઠ્યો છે ભાઈઓ કેટલા વર્ષો બાદ હવે એક નવું કામ મગજમાં ભરેણું છે મને આ મારો જૂનાગઢ ગિલ્લો અહીંના કૃષિ ઉત્પાદનો આટલા સરસ હોય આનો મત્સ્ય ઉદ્યોગ સરસ હોય પણ અમારું કેશોદનું એરપોર્ટ હવે તો જીવતું થઈ ગયું પાછું પણ મારે મેં હમણાં ઓફિસરોને બોલાવ્યા હતા મેં કહું ભાઈ હું બહુ દાડાથી આ કેશોદનું એરપોર્ટ જોઉં છે આપણે કંઈ નવું કરીએ કે જરા તપાસ તો કરો જરા કંઈ મોટું બનાવીએ અહીંથી કેરી સીધી વિમાનમાં વેચાવા જાય અહીંના ફળફળાદી જાય અહીંની શાકભાજી જાય અને દુનિયાના ટુરિસ્ટોને ગીરના સિંહ જોવા હોય સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં જવું હોય આ અમારા ગિરનારને જોવો હોય તો આ અમારી હવાઈ પટ્ટી જરા જો મોટી થાય એ કે સાહેબ જરા અમને ટાઈમ આપો મેં તપાસ કરીને કહીશું મેં કહું જલ્દી કહેજો મારે જવું જૂનાગઢ પણ ભાઈઓ બહેનો એક વિચાર આવે ને પછી હું લાગ્યો જ રહું હોદી કાઢીશ કારણ કે રસ્તો હોદી કાઢીશ તમે તમારું નક્કી માનીને ચાલજો વિકાસ કરવો છે મારે હિન્દુસ્તાનના મોટા મોટા શહેરોને જે મળે ને એ મારા જૂનાગઢ જિલ્લાને મળવું જોઈએ ભાઈઓ એના માટે હું કામ કરું ગીર સોમનાથ સહિત આ પૂરા ક્ષેત્રના આસ્થા તપસ્વીઓની ભૂમિ જૈનાચાર્યોની તપસ્યા માટે જાણી જતું અને હું એ કોઈક જમાનો હતો આ જમાતની વચ્ચે ગિરનારની તળેટીમાં કદી નીકળીને ઉપર જંગલોની અંદર લટાર મારીને આવતો હતો ભાઈ આ સંતોની વચ્ચે રહેવાનું મને સુખ મળેલું છે ભાઈ અને સંત અને સુરાની આ જોડી અમારા મંદિરો ભાઈઓ બહેનો જૈન મતાવલંબીઓ માટે પણ દત્તાત્રેયના ઉપાસકો માટે પણ શું નથી અહીંયા આખા દેશને આકર્ષિત કરવાની તાકાત અમારી ગીરની ભૂમિમાં છે ભાઈઓ બહેનો અને એટલા માટે આપણે દરેક હિન્દુસ્તાનીને અહીં સુધી ખેંચી લાવવા છે એના માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવી છે અને આ વ્યવસ્થાઓ આ અભિલાષા આપણી પૂરી કરીને રહીશું એવો મારો પૂરો વિશ્વાસ છે આપણા ગીરના સિંહની ગર્જના આખી દુનિયાને મેં મન થાય છે કે અમારે પણ રૂબરૂમાં જઈને આ ગીરના સિંહની ગર્જના સાંભળવી છે ભાઈઓ અને જ્યારે ગીરના સિંહની ગર્જના સાંભળે છે ને ત્યારે ગુજરાતની ગર્જના એના કાનમાં પડે છે દોસ્ત આજે દુનિયા ગર્વથી જુએ છે કે આ 20 વર્ષમાં આ મારા ગીરના સિંહોની સંખ્યા 20 વર્ષમાં ડબલ કરી દીધી ડબલ થઈ ગઈ ભાઈઓ એની આટલી રખેવાળી કરી એની માવજત કરી એની ચિંતા કરી કોઈ પણ હિન્દુસ્તાનીને ગર્વ થાય ભાઈઓ બહેનો અમારું કેશોદ એરપોર્ટ એ જો વિકસ્યું તો અમારે આ બધા વિકાસના નવી ઊંચાઈઓ પહોંચવાની છે રોજગારના નવા અવસરો ઉભા થવાના છે અહીંયા હોટેલો રેસ્ટોરન્ટો ટેક્સી ઓટો નજરે કેટલા વિકાસની સંભાવનાઓ બની જોઈ છે ભાઈઓ બહેનો ગુજરાત અમારો સૌરાષ્ટ્ર અમારો કચ્છ કાઠિયાવાડ આ ધરતી
एक निष्ठ राष्ट्रभक्तोनी धरती रही है। राष्ट्र प्रथम आज सर्वोच्च प्राथमिकता देवाड़ी आ धरती छे, अने एटला माटे भाई एक गंभीर बात पण करवानुं मने मन थाय छे। आ धरती नी ताकत छे, एटला माटे मने थाम छे के अहींनो जे वीर जे सिंहनी गर्जना सांभळीने मोटो थयो होय ने एनी जीलवानी ताकत पण मोटी होय छे भाईओ। अने जेनी जीलवानी ताकत मोटी होय ने एनी सामे मन मूकीने कहेवानी पण मजा आवती होय छे भाई। भाइयों बहनों, आप मने को जरा विचार जो अंतरिक्ष नी अंदर कोई मंगलयान चंद्रयान आप छोड़िए अने सफलता मले तो आ वैज्ञानिकों नी सफलता नो तमने आनंद थाय कि ना थाय? भाई जरा जोर थी बोलो, आनंद थाय कि ना थाय? गर्व थाय कि ना थाय? तमे कोई बार एम को कि भाई आमा तो कोई गुजराती वैज्ञानिक हतो ज नहीं, आमा तो पेला दक्षिण वाला था, पेला तमिलनाडु वाला था, पेला केरल वाला था, पेला बेंगलोर वाला था, एटले तमारो गर्व घटी जाए? जराय आँच आवे? अरे हिंदुस्तान ना गमे ते खूणा ना माणसे देश माटे कर्यु होय, गर्व थाय कि ना थाय? भाईओ थवो जोईए कि ना थवो जोईए? तमे विचार करो, ओलिम्पिक नी रमतो रमाती होय अने हरियाणा नो जवान जईने तिरंगो झंडो त्यां फरकतो होय अने गोल्ड मेडल लईने आवतो होय तो हरियाणा नो दीकरो होय दीकरी होय तमने आनंद थाय कि ना थाय? भाईओ भारत नो मान वधे कि न वधे? गर्व थाय कि न थाय? भाईओ काशी नी अंदर कोई संगीत नी साधना करे अने दुनिया मां आ संगीत नो जय जयकार थतो होय करनारो माणस काशी नो होय, तप एणे कर्यु होय, दुनिया मां नाम एनू गूंजतु होय, पण ज्यारे खबर पड़े के भारत जीनू छे आपणे गर्व थाय कि ना थाय? भाईओ थाय कि ना थाय? अमारा पश्चिम बंगाल नी अंदर महान विद्वान लोकोनी भूमि, साहित्य नी श्रेष्ठ रचनाओ, क्रांतिवीरोनी भूमि, एमना द्वारा कोई उत्तम काम थाय तो आपने आनंद थाय कि ना थाय? भाईओ अरे अमारी दक्षिणनी फिल्मो आजे दुनिया में डंको वगाड़ी रही छे। दक्षिण भारतीय कदाच भाषा न जाणता होईए पण दक्षिण भारत तो फिल्म बनावनारो दुनिया में डंको वगाड़े, करोड़ रुपयानी कमाणी करीने लावे, गर्व थाय कि ना थाय? आखो हिंदुस्तान नाची उठे कि ना नाची उठे? ये फिल्म न जोई सकते हुए न समझी सकते हुए तो पण आनंद थाय कि ना थाय? हिंदुस्तान ना कोई पण खूणा में कोई पण माणस गमे ते जाति नो होय, गमे ते भाषा नो होय, गमे ते प्रदेश नो होय, ये सारू काम करे आ देशना दरेक ने गर्व थाय थाय ने थाय। परंतु विकृति जुओ, गया बे दायका थी वांक देखा लोको, विकृत मानसिकता वाला लोको, एक अलग प्रकार की अजीब सोच उभी थई छे। गुजरात में कई पण सारू थाय, गुजरात में कोई नाम कमावे, गुजरात नो कोई मानवी प्रगति करे, गुजरात प्रगति करे तो एना पेट में उंदरड़ा दौड़वा माड़े छे। भाईओ गुजरात ने अपमानित करवानो, बेफाम भाषानो प्रयोग करवानो, केटलाक राजकीय पक्षों ने तो जाने गुजरात ने गाळो दीधा विना, गुजरातीओ ने गाळो दीधा विना एमनी राजनीतिक विचारधारा जाने अधूरी रहे छे। भाईओ बहनों, आनी सामे गुजराते आंख लाल करवानी जरूर छे कि नथी? आंख लाल करवानी जरूर छे कि नथी? मेहनत गुजराती करे तब गुजराती करे, देशभरना लोकोने रोजी रोटी आपवानुं काम करे, ये गुजरात ने आवी रीते बदनाम करवामां आवे आ सहन करवू छे? भाईओ आपणे आ सहन करवू छे? वा जोमबत्ती वीरोनी धरती पर आवीने आह्वान करी रह्यो छे। भाईओ हवे गुजरातीओना अपमान, गुजरात नो अपमान गुजरातनी धरा सहन नहीं करे, आ देशमां कोईनुं अपमान सहन न थाय। भाईओ बंगाळीनुं पण अपमान न थवुं जोईए, तमिलनुं पण न थवुं जोईए, केरळना भाईनुं पण न थवुं जोईए। देशनो दरेक नागरिक, एनो पुरुषार्थ, एनो पराक्रम, एनी सिद्धि
ये आपड़ा बदा माटे गर्व नी बात होवी जोईए। एने राजनीति ना बाड़ाओ मां बांधवानी कल्चर एनी सामे चेतवणी थवी जोईए। भाईओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत ना सपना ने चूर चूर न थवा देवा बाबे। सरदार साहेब जेवा लोकोए जे मेहनत करी एने पाणी मां न जवा देवा। भाईओ, आ निराशा फैलावनारा लोको पोतानी निराशाओने गुजरातना लोकोना मन पर थोपी देनारा लोकोने झूठ परोसवा वाला लोकोने जात जातना झूठ परोसवा वाला लोकोने एनाथी गुजराते चेतवानी जरूर छे। भाईओ बहनो, गुजरातनी एकता ए गुजरातनी ताकात छे। गुजराते एक बनीने नेक बनीने देशना भला माटे क्यारे पाछी पानी नथी करी एवा गुजरात ने हूँ नमन करू छू, एवा गुजरातीओने नमन करू छू। भाईओ बहनो, आओ आ एकता ने जाळवी राखीए, विकास की वाट ने वधारता जाइए, विकास करता रहिए। अने आजे जे विकास ना अनेक अवसर आपड़ा घर आंगणे आया छे एनी अनेक अनेक शुभकामनाओं साथे तमने दिवाळी ना दिवसो आवी रह्या छे, दिवाळी नी खूब खूब शुभकामनाओं। नवा वर्ष नो समय आवी रह्यो छे त्यारे नवा संकल्पों साथे आगळ वधवा माटे फिर एक बार अनेक अनेक शुभकामनाओं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खूब खूब धन्यवाद भाइयों। प्रधानमंत्री श्री आपनो आपना आशीर्वाद माटे सरद आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस धरती के लिए।